हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बजाज फाइनेंस का स्टॉक फिर से बात करेंगे। हो गया धमाका, जिसकी रिक्वायरमेंट थी, जिसकी एनालिसिस थी, जिसकी जरूरत थी, आज की डेट में बड़ा धमाका बजाज फाइनेंस के स्टॉक में देखने को मिला है। चलिए बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में। बहुत डिस्कशन इसके ऊपर हुआ और आपके लिए एक वीडियो भी क्रिएट किया गया था 18 अगस्त को कि ब्रेकआउट के नियर जा रहा है, कभी भी बड़ा धमाका हो सकता है। उन सारी बातों पर फोकस करते हैं छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, डीमैट अकाउंट के लिए जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक, उस पर क्लिक करके डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। अब मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ स्टॉक की तरफ। सबसे पहले देखिए धमाका कैसा हुआ, मजा आया देख के। देखिए 166 पॉइंट की तेजी, 4.75% का यहाँ पे जबरदस्त मैं कहूंगा उछाल देखने को मिला। और ये मान के चलिए आज की डेट में क्या तेजी देखने को मिली है, 36,558 के लेवल पे जा चुका है। और अगर मैं कहूं ट्रेडिंग ज्यादा, डिलीवरी कम यहाँ पे हुई है, लेकिन इस धमाके से पहले आपको इंफॉर्मेशन दे दी गई थी। अब आपको यार कैसे और कब की इंफॉर्मेशन, बजाज फाइनेंस हर किसी की रडार में रहता है, बड़ा शेयर है। जरा देखिए 18 अगस्त को आपके लिए ये वीडियो क्रिएट किया गया था डिटेल में, और आपको जब यहाँ पे टेक्निकली एनालाइज किया गया था स्टॉक को, तो आपको बारीकी से बताया गया था कि ये लेवल, सबसे पहले एंट्री का लेवल आपको जो मिलेगा, अर्ली एंट्री का लेवल मैं कहूंगा 3450 के लेवल का एंट्री का लेवल। स्टॉप लॉस हमारे पास तब तक आ चुका था, रेंज धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी और ब्रेकआउट का लेवल 3600 से नीचे के लेवल पे ही था, लेकिन अर्ली एंट्री आपको 3450 के आसपास क्लियरली यहां पे बताया गया था। ये देखिए पहली एंट्री, सेकंड एंट्री, लेकिन वही है जिनको समझ में आता है टेक्निकल एनालिसिस, वो अर्ली एंट्री यहाँ पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क उसका कम होता है। और हमारे से जुड़े हुए जो लर्निंग मेंबर्स हैं, उन्होंने सब ने 3400 के लेवल से स्टार्ट कर दिया था एक्यूमुलेशन, और इस एक्यूमुलेशन के बाद जो ब्लास्ट आया, इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा, ताकि आप उसको समझ पाए, ताकि आप उसको रिलेट कर पाए, आने वाले टाइम पे उन चीजों को यूज कर पाए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होता है ब्रेकआउट के लिए कि आपकी डिमांड बढ़नी चाहिए। और यहाँ पे ऐसा ही हुआ, डिमांड बढ़ती गई और ये शेयर ने बड़ा धमाका किया। आज मैं आपको फिर से लेके चलूंगा और आगे फ्यूचर के बारे में यहाँ पे क्या कुछ हो सकता है, क्या आपको दोबारा मौका मिलेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे डिटेल में, अभी जब स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस पार्ट पे चलेंगे। अब देखिए बजाज फाइनेंस जब गिर रहा था 1900, 2000, 1600, 1700 की रेंज में आया था, तब ऐसा लग रहा था भाई ये शेयर और नीचे गिर सकता है, ये तो आएगा 1400, ये तो आएगा 1300, लेकिन जब ये पलटेगा तब मौका मिलेगा। फिलहाल डाउन ट्रेंड में है तो इंतजार कीजिए, डाउन ट्रेंड खत्म होगा तो आप मौका। और ये जून 1 का वीडियो आपको क्लियरली यहां पे सिग्नल दिए गए थे, 2200 पहला हाई पार होना चाहिए, दूसरा एंट्री का पॉइंट 2400, और 2600 अगर पार हो जाए तो समझिए अब बड़ी रैली आ सकती है, क्योंकि प्रीवियस हाईज, देखिए हमारा एक मेन एम होता है कभी भी किसी भी स्टॉक में, चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, जैसे बजाज फाइनेंस बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, लेकिन जब तक आपको ट्रेंड रिवर्सल देखने को नहीं मिलता, एक पॉजिटिविटी, एक हायर हाई हायर लो की सीरीज देखने को मिलती नहीं मिलती, तब तक उसमें आपका बहुत बड़ा रिस्क बना होता है। तो इसीलिए हमेशा सेफ साइड चलिए, और यहाँ पे सेफ साइड चलने का मतलब आपको अपने रिस्क को पूरा बारीकी से मैनेज करना है, और जब आप रिस्क को मैनेज करने लग गए तो मतलब आप स्टॉक मार्केट के लिए परफेक्ट हो, लेकिन जब आप अगर रिस्क को मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप अभी भी कमजोर खिलाड़ी हो, मैं कहूंगा स्टॉक मार्केट के। रिस्क मैनेजमेंट इज शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी, ये मान के चलिए रिस्क मैनेजमेंट। और इसीलिए बजाज फाइनेंस के शेयर को हमने अगस्त 18 को आपको डिटेल में बारीकी से बताया था उस ब्रेकआउट के बारे में जो आज हुआ है। अब बजाज फाइनेंस के कुछ और डिटेल समझते हैं बारीकी से, जरा देखिए अगर मैं बात करूं फंडामेंटल्स की, तो भाई 2 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी के ऊपर, देखिए प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ अमेजिंग, कोई कमी नहीं है, बहुत सारे रिटेल निवेशकों का पसंदीदा शेयर है। रेवेन्यू का ग्रोथ आप देख सकते हो, क्या जबरदस्त रेवेन्यू का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ आप देख सकते हो, जबरदस्त प्रॉफिट का ग्रोथ, झटका जरूर लगा है। पिछले 5 साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 42%, पिछले 3 साल का 42%, पिछले 1 साल में थोड़ा झटका जरूर लग सकता है। स्टॉक ने आपको मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं, लेकिन अब आपको क्या, ये तो सस्ते में था तब तो खरीद नहीं पाए। देखिए सस्ते में खरीदना, मैं कहूंगा वहां पे जब तक आपके पास स्टॉप लॉस नहीं होता है, तब तक अगर आप शेयर को खरीदने की कोशिश करते हो तो वो बहुत रिस्की होता है, कितना अच्छा शेयर करना। देखिए हम थोड़ा सा लीक से हटके सोचते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट
का मेन इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी रखते हैं ऊपर। तो इसीलिए बजाज फाइनेंस के शेयर में 2200 के लेवल के बाद मूवमेंट असली स्टार्ट हुआ। वहां पे वो लोग 2200 2400 2600 ये तीन लेवल से वहां से वो लोग एंटर किए जो जिनको पता है कि हाँ अब रिस्क जो है कम हो चुका है, खत्म होते जा रहा है, अब पैसा बढ़ाते जाओ, वहां पे वो लोग एंटर करते हैं जो गैम्बल नहीं मैनेजमेंट के साथ चलते हैं। अब मैं आपको बजाज फाइनेंस की इतनी डिटेल दिखाऊं, जरा मैं आपको इसके म्यूचुअल फंड हाउसेस के बारे में बताता हूँ, बजाज फाइनेंस ने किस तरीके से होल्डिंग रही है पिछले कुछ टाइम में। जरा म्यूचुअल फंड के डाटा को देखिए, समझिए। ये देखिए पिछले कुछ क्वार्टर में जो परफॉर्मेंस रही है, मार्च क्वार्टर में म्यूचुअल फंड के पास खूब डाटा था, जून क्वार्टर में इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की, थोड़ा बहुत शेयर यहाँ पे बुक किए गए, लेकिन उसके बावजूद इंटैक्ट 7-8% के आसपास यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग रहती है और वही अभी भी बनी हुई है 7.26% जून के डाटा के हिसाब से। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की अगर मैं बात करूं तो इनकी होल्डिंग 21-22% के आसपास रहती है और वही होल्डिंग इंटैक्ट 20-21% के आसपास भी, और अभी भी जून में 21.24% है। थोड़ा बहुत कम ज्यादा होती है लेकिन इसी के आसपास ही होवर करती है, यहीं पे ही है। लेकिन रिटेल निवेशकों को देखोगे तो 500,000 रिटेल निवेशक बजाज फाइनेंस में इन्वेस्टेड है और इनकी होल्डिंग 7.75% हुई है, जो कि दिसंबर के कंपैरिजन में मार्च में थोड़ा सा बढ़ी थी और अभी जून में अच्छी खासी बढ़ी है, जून वाले क्वार्टर में। अच्छी बात है भाई, पॉजिटिव बात है। अब मैं आपको लेके चलता हूं हमारा इंपॉर्टेंट हथियार, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार मैं इसको कहूंगा, और स्टार्ट करेंगे मंथली चार्ट से। देखिए बजाज फाइनेंस के मंथली चार्ट को आप जब देखोगे तो आप कहोगे अरे वाह, ये तो बहुत ही तेजी बिना असर किए भी कैंडल ये बन रही है मंथली। तीसरा मंथ हो चुका है ये, इसने थोड़ा लेट स्टार्ट किया और जून सीरीज से स्टार्ट किया, जून जुलाई और ये अगस्त में, और बहुत तेजी से, मतलब लेट तो स्टार्ट किया लेकिन तेजी से स्टार्ट। अब ये देखिए ये चार्ट, देखिए ये वीकली चार्ट बिल्कुल नीचे गिरता जा रहा था और उसके बाद यहाँ पे जब प्राइस में मूवमेंट आया जो कि जून 1 से स्टार्ट हुआ, लायंस अटैक बना, तेजी आई, लेकिन जिस ब्रेकआउट की हम बात कर रहे थे अभी रिसेंटली वो ये ब्रेकआउट है। जरा ध्यान दीजिए, इस ब्रेकआउट की हम बात कर रहे थे और ये ब्रेकआउट 3500 के थोड़ा सा डाउन था, नीचे था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल था। क्यों इंपॉर्टेंट था? देखिए प्राइस इससे ऊपर ही रहेगा तो यहाँ पे बुलिश क्रॉस वीकली का बनने को तैयार है और इस स्टॉक को किस तरीके से रडार में लिया गया मैं डेली टाइम फ्रेम पे दे जाके आपको बताऊंगा और काफी इंपॉर्टेंट लर्निंग है, इसको समझिए सीखिए, बहुत काम की चीज है। जो एक स्टॉक आपको सिखाता है वो जरूरी नहीं आपके देखिए कई बार काम आ सकता है आगे फ्यूचर में। देखिए जब तक, जब हम उस टाइम पे कह रहे थे आपको कि 2200 2400 का लेवल क्यों आपको दिया जा रहा था, पहले पुरानी बातें करते हैं। देखिए ये, देखिए ये तीन लेवल क्यों इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ये प्रीवियस हाईज थे, अगर ये धीरे धीरे पार होते तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और साथ के साथ ये पार होते गए देखिए, और इनको पार करने के लिए पूरा का पूरा कंसोलिडेशन चला और उसके बाद आप देखिए क्या जंप आया, पहला जंप, अगला करेक्शन, दोबारा मौका आपको मिला है करेक्शन रिजोल्यूशन का। 3000 पे रिस्क कितना था? 200 रुपए का। तेजी आई, लेकिन इस तेजी के बाद जो ब्रेकआउट अब हुआ है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट जो आज की डेट में मुझे देखने को मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट, मतलब अगली रैली के लिए ये बड़ा ब्रेकआउट। अब देखिए इस ब्रेकआउट को देखते हैं, थोड़ा सा जूम करके देखेंगे ताकि आप इसको समझ पाओ। देखिए ब्रेकआउट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आपकी डिमांड मार्केट में आपको दिखनी चाहिए। अब आपको क्या, ये डिमांड को हम कैसे पहचाने, ये लेवल आप देख लीजिए, ये 3500 के आसपास का लेवल है। अब डिमांड ऐसे देखी जाती है, जब देखोगे जो आपका बॉटम पॉइंट है धीरे धीरे ये अपसाइड मूव हो जाते हैं, यानी कि जो डिमांड आपकी अपसाइड मूव करती जा रही है तो ये आपकी डिमांड को शो करती है। आपको एक रिटेल निवेशक कैसे पहचानेगा कि डिमांड बढ़ रही है? इसी तरीके से जो लो पॉइंट्स है वो बढ़ते जाएंगे, फिलहाल हाई पॉइंट जो है वो फिक्स है लेकिन धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती जा रही है, ये आपके डिमांड को दर्शा रही है, आपको दिखा रही है कि डिमांड बढ़ रही है। और उस डिमांड के साथ साथ कल की डेट का जो वॉल्यूम था वो काफी इंपॉर्टेंट था और आप देख पा रहे हो यहाँ पे आज की डेट में गैप अप और गैप अप के बाद छलांग। तो भाई अब मैं आपको इंपॉर्टेंट ये छलांग, अब आने वाले आप फ्यूचर में क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ब्रेकआउट की एक और, आपको ब्रेकआउट होने के बाद एक और मौका मिलता है, वो मौका मिलता है सपोज ये ब्रेकआउट की लाइन है, प्राइस देखिए इसको पार कर गया है, लेकिन अब प्राइस अगर पुलबैक मारता है तो पुलबैक जरूरी नहीं है कि इस लाइन को टच करे, ये इसके ऊपर से भी जा सकता है, लेकिन उस करेक्शन के रिजोल्यूशन में आपको मिलती है फिर से एंट्री, यानी कि दोबारा एंट्री का आपको मौका मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मत भूलिए, मतलब अभी आपके पास एक मौका और है, पुलबैक आता है तो और भी अच्छी बात है, अगर पुलबैक आता है तो और तेज भागने के चांसेस, क्योंकि नई एनर्जी मिल जाती है, जरूर बहुत तेज हो जाता है और तेज यहाँ पे भाग सकता है, स्पीड ये कर सकता है। तो देखिए किस तरीके से तेजी देखने को मिली, और एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए
ये स्टॉक बहुत दिन से डिस्कशन में था, इसीलिए अगस्त 18 को आपके साथ वीडियो बनाया। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, लर्निंग मेंबर्स का टेलीग्राम ग्रुप है, तो बहुत दिनों से जब ये 3300 के रेंज पे था तब ये डिस्कशन में था। और देखिए 3300 पर रेजिस्टेंस है, उसको पार करेगा तो फिर 3500 सीधा, मतलब मेंबर्स इस तरीके से एनालाइज करते हैं, मजा आता है। देखिए बजाज फाइनेंस रेडी फॉर डेली ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग अबव 200 SMA, मंथली लायंस अटैक, देखिए जरा किस तरीके से मजेदार ये मंथली स्क्रिप्ट के लिए इसको रेडी कर रहे हैं। मतलब अलग अलग एक नहीं, अलग अलग मेंबर्स अपने व्यूज इसके बारे में दे रहे हैं। ये पिछले कुछ दिनों से लगातार इसके ऊपर डिस्कशन आ रहा है। अगर 3520 के ऊपर क्लोज होता है तो भाई नई रैली हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जरा देखिए 3510 के ऊपर बाय, बहुत ही बढ़िया बात है। मतलब सब किसी ने अपनी अपनी सजेशन, अपनी अपनी क्योंकि डिस्कशन करते रहते हैं वीडियोस के ऊपर जो भी हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, या फिर मेंबर्स अपने हिसाब से यहाँ पे स्टॉक्स को लेके आते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। तो इस तरीके से ये लर्निंग का इंपॉर्टेंट एरिया मैं कहूंगा, आप कभी मत मिस कीजिए। और हम वीडियोज भी आपके लिए क्रिएट करते हैं, उसमें ये सारी बातें बताने की कोशिश आपको डिटेल में करते हैं, इसीलिए वीडियोज को आखिरी तक और टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट कभी मिस मत करना, उसमें काफी इंपॉर्टेंट लर्निंग छुपी हुई होती है। वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।